यस, हमारे तीन लेसन, तीन पोइम्स हैं बेटे, मनुष्यता, पर्वत प्रदेश में पावस और कर चले हम विदा। एक बार बता दूं, मनुष्यता मैत्री चरण गुप्त जी की लिखी हुई है और उसमें उन्होंने ये बताया है कि हमारा मनुष्य होने का फायदा ही तभी है अगर हम मनुष्यता का धर्म निभाएंगे। ठीक है, तो वो मैंने स्टेंजा वाइज आपको करवाई हुई है। अगर याद हो दक्षिता, तो कैन यू टेल मी हाउ मेनी स्टेंजस वी आर हैविंग इन दैट? मैम 8 पक्का कंफर्म? मैम, यस, एक पेज पे 4 थे, मेरे एक को पेज याद पे है। 4 नहीं थे, एक पेज पे 3 थे, चौथा शुरू हो गया था, है ना? चौथे को कॉन्टिन्यूटी ऊपर मिली थी, विरुद्धवाद बुद्ध का चौथा? ठीक है दयावान ठीक है ठीक है हुआ। ठीक है ठीक है। सिक्स ठीक है, थे चौथ। हाँ 6 नहीं होंगे, 7 होंगे। या तो देखो ध्यान से, देखिए मैं देखना चाहूंगी, हाउ मेनी स्टैंजास दो वी पेज आर। पे खत्म। हाँ जी, खैरिए मैं देखती हूँ। यू आर राइट, 8 स्टेंजा। ठीक है, क्योंकि एक पेज पे 3 थे और आधा शुरू हो गया था, दूसरे पेज पे फिर उसको कंप्लीट करके 5 हो गए होंगे। तो हमने, बच्चे ध्यान से सुनो, हमने एक एक स्टेंजा करके उन्हें किया हुआ है, 8 के 8 स्टेंजा। ओके, तो अगर आप चाहें तो यहीं से शुरू करते हैं कार्तिक। एक एक स्टेंजा के बारे में शॉर्ट शॉर्ट बताती जाऊंगी, पूरी व्याख्या नहीं करूंगी आज मैं। स्टेप बाय स्टेप हम चलते जा रहे हैं। चलिए, मनुष्यता कविता, मैथिली शरण गुप्त। उन्होंने कहा कि मृत्यु उसी की सुमृत्यु है, अच्छी मृत्यु उसी की मृत्यु है जो किसी दूसरे के लिए कुछ कार्य करता हुआ मरता है, दूसरे का भला करता हुआ मरता है। पहले पैराग्राफ में उन्होंने बताया कि सुमृत्यु किसकी मृत्यु है। विचार लो कि मरते हो ना, मृत्यु से डरो, कभी मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। हुई नहीं हो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, जिया नहीं वही कि जो मरा ना आपके लिए, यानी दूसरे के लिए नहीं मरा, उसकी मृत्यु फजूल है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, जानवरों की तरह बस अपना खाओ अपना पियो अपना रहो, ये पशु प्रवृत्ति है, ये अच्छी प्रवृत्ति नहीं है, इंसान की प्रवृत्ति नहीं है। फर्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने यही बताया। फिर ये बताया ना कि उदारता है, दूसरे का काम करो। फिर उसने उदार शब्द पकड़ लिया सेकंड स्टेंजा में और कहा उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार की धरा कृतार्थ भाव मानती, यानी पूरे स्टेंजा में उसने यूज किया उसी उदार, उसी उदार, उसी उदार, उसी उदार। कौन सा उदार का ऑपोजिट होता है बेटा? कृपण, कंजूस। उदार मीन्स बड़े दिल वाला। कौन से बड़े दिल वाले की बात की है जो केवल अपने बारे में ना सोचे, दूसरों के बारे में सोचे? ठीक है, तो उदारता की सबसे बड़ी एग्जाम्पल उसने अगले पैराग्राफ में दी है। कहता है धरती भी उसे याद रखती है, इतिहास भी उसे याद रखता है, जो उदार है, जो दूसरे का भला करता है, उसे धरती भी याद रखती है, धरती अपने आप को धन्य मानती है, और संसार भी उसे याद रखता है। किताबों में सरस्वती, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, किताबों में भी उसी का ब्योरा दर्ज होता है जो किसी के लिए कुछ करता है। अब वो कौन सा ब्योरा, किन लोगों को किताबों ने याद रखा? ठीक है, वो 4 एग्जाम्पल्स दिए हैं उसने यहाँ पे। एक दिया है क्षुधार्थ रति देव का। भूखा था राजा रति देव, खाना खाने लगा, प्लेट हाथ में पकड़ी है, कोई मांगने वाला आ गया, भरा हुआ थाल दे दिया, खुद भूखा रह गया। ठीक है, फिर इसने एग्जाम्पल दी दगीची ऋषि की। आपको पता है राक्षसों का वध करने के लिए देवताओं को कहा गया था कि किसी मनुष्य की हड्डियां लाओ, तो ऋषि दगीची ने अपनी हड्डियां दान दे दी कि ये मैं अपना श्वास ऊपर चढ़ा लेता हूं, आप मेरे शरीर की हड्डियां ले जाइए, लेकिन राक्षसों को हराइए, बुराई को हराइए। ओके, 2 एग्जाम्पल हो गए। तीसरा तीसरा एग्जाम्पल है बेटा उसका क्या था नाम उसका, क्षितिश। क्षितिश का एग्जाम्पल है जिसने एक कबूतर की जान बचाने के लिए अपनी जंघा का मांस देना स्वीकार कर लिया था। कहता था कबूतर नहीं छोड़ूंगा, मैं कबूतर को बचाऊंगा, चाहो तो उसके परिमाण का मांस मेरे शरीर का ले जाओ। फिर एक करण का एग्जाम्पल दिया उसने कि दानवीर करण से उसके कवच, जो उसे बचपन से मिला था ना, जन्म से मिला था कवच उसका, और कुंडल मांग के इंद्र देवता ले गए, दे दिया दूसरों की भलाई के लिए।
ओके, ये चार एग्जांपल्स उसने देके हमें सिद्ध किया है कि मनुष्य वही है जो मनुष्य के काम आए। उसके बाद उसने कहा अगर मनुष्यता का काम करते हुए हमारे सारे विरुद्ध हो जाएं, सभी हमारे विरुद्ध हो जाएं, तब भी हमारी दया के आगे अल्टीमेटली दुनिया को झुकना ही पड़ता है। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, महात्मा बुद्ध के सामने नहीं सारी दुनिया झुक गई बाद में, ठीक है। ये एग्जाम्पल दिया उसने। उसके बाद उसने कहा, अगली लाइन में बोला है, बोलता है वो कि रहो ना भूल के कभी मदान तुच्छ वित्त के। अच्छो थोड़े जे पैसे, थोड़े से पैसे, वित्त होता है पैसा, कभी पैसे का नशा मत करना। सबसे बुरा नशा है पैसे का नशा, पैसा आया बुराई शुरू। कभी अभिमान मत करना मेरे पास पैसा ज्यादा है, बल्कि ईश्वर की कृपा से जितना पैसा हो उतना दूसरों को दो, भलाई का कार्य करो, ठीक है। रहो न भूल के कभी मदान तुच्छ वित्त के, करो ना गर्व चित्त में कभी सनाथ जान आपको, करो ना गर्व चित्त में, मेरे तो माता पिता हैं, मेरे पास तो ये भी है, मेरे पास तो ये भी है, इस चीज का कभी अभिमान मत करना, क्योंकि यहाँ अनाथ तो कोई है ही नहीं, जब त्रिलोकी नाथ साथ है, तुम ही, हमारी तो प्रेयर ही यही है ना, तू मेरा पिता तो है मेरा माता, परमात्मा सबका माता पिता है, ठीक है, वो सबकी भलाई के बारे में सोचता है, ठीक है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल आते हैं, बहुत बड़े आते हैं उसके, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, मिरेकल्स कैन डू। ओके, आगे है कि आप परमात्मा की गोद में बैठना चाहते हो, आप परमात्मा से प्यार पाना चाहते हो, तो उसके लिए एक ही कार्य आपको करना होगा, कौन सा, अपंक हो जाओ, यानी शुद्ध हो जाओ, बुरे मत बनो, बुराई मत लपेटो, अपंक होके बैठ जाओगे तो परमात्मा दोनों हाथ फैला के आपको पकड़ने के लिए, गोद में बिठाने के लिए हमेशा तैयार मिलेगा, ठीक है। लाइनें हैं, परस्परावलंब से उठो तसा बढ़ो सभी, तभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो कब सभी, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे, बड़े बड़े आ जाओ, आओ मेरे पास, सिर्फ निर्मल होके आना, शुद्ध होके आना, बुराइयों से दूर रह के आना। और साथ में उसने वर्ड यूज किया है परस्परावलंब, दो शब्द है इसमें, परस्पर और अवलंब, एक दूसरे का सहारा, अवलंब होता है सहारा, कोई व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता बच्चे, हम एक दूसरे का सहारा बन के ही काम कर सकते हैं, तो कभी भी मतलब ही स्वार्थी मत बनना, एक दूसरे का सहारा बनना। नेक्स्ट पैराग्राफ में कहा है उसने, मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है, हमें समझ में आ जाए हम आपस में भाई भाई हैं, क्योंकि हम सबके माता पिता परमात्मा है। अगर आपके माता पिता परमात्मा है, मेरे माता पिता परमात्मा है, किसी और के माता पिता परमात्मा है, तो हम सब भाई भाई हुए ना, हम सब भाई भाई हुए ना बेटे। अगर हम भाई बहन हुए, भाई भाई हुए, तो बहुत शर्म की बात है कि एक व्यक्ति दुखी है और आप उस दुखी व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकते। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है, पर पुराण पुरुष स्वयं पिता प्रसिद्ध एक है, फलानुसार कर्म के अवश्य बाहरी भेद है। अब फिर हम कहते हैं, जब सारे हम माता पिता की संतान है तो हमारे में फर्क क्यों है, अपने फल कर्मों के फल के अनुसार भेद है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई गोरा है, कोई काला है, ना, वो हमारे भेद जरूर है, लेकिन अंदर आत्मा सबकी है। अनर्थ है कि बंधु ही ना बंधु की बेहतर है, भाई भाई के काम ना है तो क्या फायदा, ठीक है। और फिर उसने लास्ट में कहा है, लास्ट पढ़ रही हूं मैं सारा, चलो अभीष्ट मार्ग में, अभीष्ट मीन्स जो चुना है आपने रास्ता, सहर्ष खेलते हुए, जो रास्ता चुना है, जिस रास्ते पे आप चलना चाहते हो, खुशी खुशी उस रास्ते पे आगे बढ़ जाओ, विपत्ति विघ्न जो पड़े, मुसीबत जो भी रास्ते में आएगी, उसे धकेलते हुए, घटे न हेल मेल। हाँ, बस एक बात याद रखना, भाईचारा नहीं हटना चाहिए, बड़े ना भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, अतर्क बिना बैसे, बिना बहस किए एक ही रास्ते को अपनाना है, और वो रास्ता है मनुष्यता का रास्ता। ओके, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। अब मैं आपको पढ़ा रही हूं, जितनी बार मैं लेसन पढ़ाती हूँ उतनी बार मेरा लेसन पक्का होता जा रहा है, आप देख रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते मुझे पंक्तियां तकरीबन याद हैं,
तो बेटे किसी का भला करते हुए हमारा भला तो स्वयं हो जाता है। तारता हुआ तरे, किसी को अगर आप नदी पार करवा कर किनारे तक पहुंचाना चाहते हो तो दैट इज वेरी मच श्योर आप भी किनारे तक पहुंचोगे तो उसे पहुंचाओगे। ठीक है, तो किसी का भला करने वाला हमेशा किनारा पा ही लेता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए बने। ठीक है, एक कविता ये है। इन शॉर्ट हमने वर्ड टू वर्ड, पैराग्राफ टू पैराग्राफ किया हुआ है। ओके, पर्वत प्रदेश में पावस दूसरी कविता सुमित्रा नंदन पंत जी की, और वो मुझे याद है हमने छोटे रूम में बैठ के की थी। पर्वत का प्रदेश है और पावस ऋतु है। ठीक है, तो पावस ऋतु मीन्स वर्षा की ऋतु है, पहाड़ी इलाका है, क्या होगा, पल पल प्रकृति अपना भेष बदलेगी, क्षण क्षण में प्रकृति अपना भेष बदलेगी, अभी धुंध अभी स्पष्ट, अभी धुंध अभी स्पष्ट। और याद रखिए पहाड़ी इलाके में हम देखने दो तीन चीजें ही जाते हैं। क्या क्या देखने जाते हैं? पहाड़, तालाब, झरना, ऊंचे ऊंचे पेड़, यही चीजें देखने जाते हैं ना हम। तो हम इन्हीं चीजों की बात करेंगे। पहाड़, बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, है ना, उसपे इतने सारे फूल लगे होते हैं, ऐसा लगता है मानो पहाड़ की आंखें हैं। पहाड़ के नीचे तालाब है, शीशे जैसा साफ, यानी बारिश तभी होती है जब एकदम से हवा ना चल रही हो। ओके, तो शीशे जैसा साफ, तरंगे भी नहीं नजर आ रही, ऐसा लग रहा है पहाड़ नीचे दिख रहा है। ओके, उसमें फूल लगे हैं, उसकी आंखें हैं, नीचे छवि देख रहा है, ऊंचे ऊंचे पेड़ है, ऊपर को देख रहे हैं ऐसे करके कि जैसे पता नहीं क्या, कितना और ऊपर उठना चाहते हैं, कितनी चिंता है मन में, है ना, चिंता, जैसे चिंतित है और ऊपर देख रहे हैं और ऊपर बढ़ना है हमें। ओके, देन उसके बाद उसने कहा कि झरने इतने सुंदर लगते हैं, ऊपर से पानी गिरता हुआ जैसे झाग की झाग बन रही हो या मोतियों की लड़ियां हो। इन सब की सुंदरता का वर्णन करके कवि कहता है, लो एकदम से कुछ हो गया, क्या हो गया, आसमान ने धरती पे हमला कर दिया। अब हमला करेगा तो चारों तरफ धुआं होगा ना, तालाब ऐसे लग रहा है जैसे जल उठा, अभी शांत था अभी जल उठा, पहाड़ गायब हो गया, पेड़ गायब हो गए, झरने की केवल आवाज रह गई। इन सब चीजों का उल्टा वर्णन कर दिया उसने और कहा कि इंद्र खेलता इंद्रजाल, इंद्र देवता, वर्षा का देवता इंद्र देवता, ऐसा लग रहा है जादूगरी कर रहा है। अभी सब कुछ साफ था, अभी सब गायब हो गया, थोड़ी देर बाद फिर साफ हो जाएगा, है ना, जादू दिखा रहा है, शू सब गायब, शू सब सामने। ब्यूटीफुल पोएम रिटन। ओके, नेक्स्ट है, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, है ना, मैंने टेंथ पढ़ा दी, सारा सिलेबस खत्म कर दिया, अब तुम्हारे हाथ हवाले टेंथ क्लास का रिजल्ट साथियों। ओके, कर चले हम फिदा, हम काम कर चुके अपना, शहादत दे चुके, अब तुम्हारे हवाले, तुम्हारे मीन्स आम व्यक्ति, साधारण लोग, इनके हवाले वतन है, वतन की रक्षा करनी है। अब इस कविता में उसने कहा है कि मरते गए सैनिक, लेकिन उनका बांकपन खत्म नहीं हुआ, उत्साह, हिम्मत, जोश खत्म नहीं हुई। कहते हैं इस धरती रूपी माता का सीता के लक्ष्मण भी आप हैं और राम भी आप हैं। राम मीन्स स्वामी, मालिक, लक्ष्मण मीन्स सेवक। कहते इस धरती माँ के सेवक भी खुद हैं और स्वामी भी आप ही हैं। तो इसकी रक्षा और इसकी सुंदरता का सारा कार्यभार आप ही के हाथ में है, तो आपको ही देश का सारा कार्य करना है। कहता जो हाथ उठने लगे ना आपकी धरती सीता माँ की तरफ, तोड़ देना उस हाथ को, तोड़ दो घर हाथ उठने लगे। ठीक है, उस हाथ को तोड़ देना जो आपकी देश की सुंदरता और अखंडता को भंग करने के लिए आगे बढ़े। ओके, दिस वॉज द पोएम, कर चले हम फिदा। फिदा मीन्स कुर्बान, हम अपनी जान कुर्बान करके जा रहे हैं, अब वतन आपके हाथ में है। ओके, दैट इज रिटन बाय कैफी आजमी। ओके, नेक्स्ट है, ये जो कविता है लिखी गई थी एक फिल्म की स्क्रिप्ट के लिए, है ना, 1962 की चाइना की साथ युद्ध में जो स्क्रिप्ट बनी उसके लिए लिखी गई थी ये कविता। ओके, आगे है दो लेसन, ओनली टू लेसन,
only and only two lessons. First is Kartus. Very, very good lesson. Kartus. मतलब एक ऐसे जांबाज सिपाही का वर्णन, वजीर अली का वर्णन, जो उसको पकड़ने के लिए खेमा लगाया, उसी खेमे में घुस के कारतूस मांग के बड़ी हिम्मत से वापस आ गया. और जो उसका दुश्मन है वो भी पीछे से क्या कह रहा है, उसकी इंट्रोडक्शन क्या दे रहा है, कौन था जो भी आया और चला गया. कहते एक जांबाज सिपाही शेर की मांद में घुस के उसके मुंह से सारे दांत गिन के वापस आ गया. ठीक है जी. शेर की मांद क्या थी? वो जो खेमा लगाए बैठे थे, टेंट लगाए बैठे थे जो अंग्रेज, और दांत गिनना मतलब उनसे कारतूस मांग के ले आना और वापस आ जाना, यानी खुद बहादुरी दिखाना. ओके, दूसरा लेसन है बेटा पतझड़ की टूटी पत्तियां. इस लेसन में केवल झेन की देन है हमारे पास, झेन की देन. ओके, तो इसमें लेट मी कंफर्म एक बार, मैं देखू कि झेन की देन ही है या दूसरा भी है, ये ना हो कि हमारा दूसरा हमसे मिस हो जाए, चूक जाए. झेन की देनी है बस. हाँ बेटे, एक बार कंफर्म करना चाहती हूँ मैं, मुझे मालूम है वैसे. हाँ जी, झेन की देनी है. अब झेन की देन क्या है बच्चे? हम लोग जितने विकसित देश है ना बेटा, ध्यान से समझना जरा इस पॉइंट को, क्योंकि यही पॉइंट्स हर जगह लिखने के काम आते हैं, हर जगह यही पॉइंट्स लिखने के काम आते हैं. सुनिए जरा ध्यान से, 15 बच्चे हैं क्लास में, 7 बच्चे अभी भी नहीं है. झेन की देन लेसन में बेटे बताया गया है कि हम जैसे देश, जैसे भारतवर्ष है, भारतवर्ष विकसित देश नहीं है, यानी हमारी नकल दूसरे नहीं करते, हम दूसरों की तरह विकसित होने की कोशिश में है. स्टेप बाय स्टेप वी आर इंक्रीजिंग आवर कैपेबिलिटीज, यानी हम प्रगतिशील हैं, हम बढ़ रहे हैं. और जो कंट्रीज बढ़ने की तरफ जा रहे हैं, दूसरों को देख के आगे बढ़ना चाहते हैं, उन कंट्रीज को काम बहुत करना पड़ता है. प्रतियोगिता है ना हमारी, कभी इससे कभी इससे. जब कंपटीशन होता है तो नींद आराम हो जाती है हमारी. जब भी कंपटीशन होता है, आपका हो मेरा हो कोई भी कंपटीशन हो, हमारी नींद आराम हो जाती है. ऐसे ही जिस देश को किसी दूसरे देश के साथ प्रतियोगिता करनी है ना, उसकी नींद आराम हो जाती है. यानी वहां क्या होता है, क्या होता है, महीनों का काम दिनों में, दिनों का काम घंटों में, घंटों का काम मिनटों में. और हमारा दिमाग तो पहले ही स्पीड इंजन है. इस समय आप मुझे सुन रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में मैथ, साइंस, पिछले पीरियड का होमवर्क, कुछ ना कुछ चल रहा होगा. यानी बहुत सी चीजें, बहुत सी तलवारें दिमाग में चलती रहती हैं. हाँ कार्तिक, आई नो आई एम वेरी गुड टीचर, आई कैन टीच यू वेरी वेल, आई कैन ऑक्यूपाई योर अटेंशन. हाँ ओके 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 ओके. सुनिए तो बच्चे क्या कह रहा है यहाँ पे वो, कि जो देश प्रगतिशील होते हैं ना, उड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनका दिमाग हर समय चलता रहता है. हमारा दिमाग चल रहा है, जितना तेज चल रहा है, अगर हम उसे स्पीड का इंजन लगा दें तो ये तो एक दिन टूट जाएगा. उसके लिए इसे रोकना होगा, बहुत ज्यादा भागने से मना करना होगा. कई बार हम लोग कहते हैं बेटे, आपको पता होगा, कई बार हम लोग कहते हैं ओहो अभी क्या था दिमाग में, भूल गया. वो क्यों होता है? क्योंकि बहुत चीजें हमारे दिमाग में इकट्ठी चल रही होती हैं, तो ऐसी स्थिति हो जाती है. इसी से क्या होता है, मानसिक रोगी बन जाता है इंसान. अब यहां जापान की बात कर रहे हैं, वो भी विकासशील देश है, वहां लोग चलते नहीं दौड़ते हैं, बोलते नहीं बकते हैं, इस तरह के शब्दों का उसने इस्तेमाल किया है. यानी वो वहां पे लोग महीनों का काम घंटों में, दिनों में दिनों का काम, घंटों में घंटों का काम मिनटों में करना चाहते हैं. हर बच्चा वहां प्रयत्नशील है, हर बच्चा वहां काम पर लगा हुआ है. अब वहां पे विराम की आवश्यकता होती है, तो उन्होंने, जापानियों ने एक विधि बना ली, सेरेमनी एक बना ली, जिसको कहते हैं वो चानो यू. चाय आपको जानती है, याद रखने के लिए है ये चानो यू. क्या करते हैं, जितनी बहुमंजिला इमारत है ना, टॉप फ्लोर पे एक छोटी कुटिया बना देते हैं, पर्ण कुटी, पत्तों की कुटिया बना देते हैं वो, और उस कुटिया में केवल 3 लोग जा सकते हैं. एक चाजीन होता है,
ठीक है, चाजीन चाय बनाता है, वहां पे शांति मुख्य बात होती है, ज्यादा बंदे नहीं जा सकते, सिर्फ ओनली थ्री वो बैठ जाते हैं वहां पे, चाजीन बर्तन मांजता है, आग जलाता है, जो भी काम करता है सब चीजों की आवाज आती है, चुप रहना वहां होता है। अब आप सोचिए, चुप रहना और सारी क्रियाएं देखते रहना, धीरे धीरे दिमाग सोने लगता है, लेकिन वहां पे बेड नहीं है, सोने की जगह नहीं है, आपको बैठना ही है तो जागना होगा। ठीक है, जब भी हम विश्राम में होते हैं ना, हमें नींद आ जाती है बच्चे, जब हम दिमाग को खाली छोड़ते हैं ना, हमें नींद आ जाती है। ओके, तो वहां पे बैठ के फिर वो चाय देता है, चाय में क्या देता है, दो दो घूंट चाय देता है, दो घूंट चाय को डेढ़ घंटे में पीना है और बोलना कुछ नहीं। तो वहां स्पीड इंजन धीरे धीरे स्लो होता होता रुक जाता है और मन को दिमाग को आराम मिलता है। ठीक है, तो ये विधि है जो जिसे कहा जाता है चानोयू, दिमाग को आराम देने की विधि है। दिस इज झेन की देन, ये विधि है जो झेन की देन है। तो क्वेश्चंस आपको बीच में से आने हैं, क्या आपके यहाँ ऐसा होता है, या क्या आप अपने दिमाग को रोक लगाने के लिए क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके, ये लेसन हो गया। अब हम चलेंगे दूसरी बुक संचयन की तरफ। संचयन में पहला लेसन है हरिहर काका। अब हरिहर काका दैट इज जस्ट अ फिल्मी स्टोरी, मुझे तो बिल्कुल बिल्कुल फिल्मी स्टोरी लगती है। जैसे आजकल खून सफेद हो गया है ना, हरिहर काका ने दो शादियां की पर कोई औलाद नहीं हुई, भाई के बच्चों के साथ रहते हैं, अच्छे भले रह रहे हैं, काफी जमीन है, काफी जमीन है, भाई के बच्चे उस जमीन को यूज कर रहे हैं। तो ये अकेले हैं, भाई के बच्चों के बच्चे जो हैं बहुएं घर में हैं, वो इन्हें आराम से खाना दे सकते हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, इन्हें काम करने की क्या जरूरत है, ये घर में बैठे हैं। लेकिन जब कोई बुजुर्ग घर में बैठ जाता है तो फालतू कुत्ता हो जाता है, ये आपने हमेशा सुना हुआ है, बुजुर्ग की बैठे बिठाए को खाना देना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो एक बार क्या होता है, हरिहर काका बीमार है बेचारे, तो सोचते मुंह बड़ा कड़वा हो रखा है, कुछ आज मजेदार बनेगा, तो अपना पोता जो होता है ना, भाई के भाई का पोता होता है, उसका दोस्त आ रहा होता है, तो सोचते हैं आज तो अच्छा खाना बनेगा, आज मुझे भी अच्छा खाना मिलने खाने को मिलेगा। लेकिन भाई के पोते का दोस्त भी चला जाता है, खाना भी निपट जाता है, उन्हें कोई खाना ही नहीं पूछता, तो वो मांग के खाना मांगते हैं, तो उन्हें रूखी सूखी रोटी दे दी जाती है। उस समय उनका अंदर से जो आत्मा है जागृत होती है कि मेरे पास इतनी जमीन, मेरे पास इतना पैसा, मैं इनसे मांग के खाता हूं जो मैं ऐसी रोटी खाऊं, तो अपनी थाली को वो आंगन में ऐसे फेंक देते हैं, थाली बिखर जाती है, तो कलह शुरू हो जाता है। कहते हैं मैं आपसे मांग कर नहीं खाता, मैं अपने हक की रोटी खाता हूं, मैं अगर नौकर रखकर अपनी जमीन पे खेती करवाऊंगा तो मुझे बहुत पैसे मिल जाएंगे, मैं नौकर रख के खाना भी बनवा सकता हूं, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, आपके रहमो करम की आवश्यकता नहीं है, घर से बाहर निकल जाता है। अब घर से बाहर निकलते हैं जब इस तरह के लोग, तो बाहर वाले बैठे होते हैं उन्हें कैप्चर करने के लिए, आओ तो सही। तो वहां पे एक ठाकुर बाड़ी है बेटा, ठाकुर बाड़ी मतलब एक बहुत बड़ा मंदिर है, वो एरिया उस ठाकुर बाड़ी के नाम से जाना जाता है। अब वो ठाकुर बाड़ी बनी कैसे, वहां पे एक बार ना एक साधु रहने आया था, साधु रहने आया और पूजा पाठ करता था सुबह शाम, लोग जाते थे, धीरे धीरे लोग उसे खाना दे आते थे, वो पूजा पाठ करता था, लोगों की मन्नतें पूरी होने लगी, जे कैसी ने मन्नत मान ली, मेरी बेटी की शादी हो जाए, मैं दो चूड़ियां दे जाऊंगा, वो दो चूड़ियां दे जाता। किसी ने मान लिया मेरे बेटे की नौकरी अच्छी लग जाए तो वो थोड़ी सी जमीन का टुकड़ा दे दूंगा, तो ऐसा मतलब इस तरह करते करते ठाकुर बाड़ी का विस्तार इतना अधिक हो गया कि वो एरिया वो ठाकुर बाड़ी के नाम से जाना जाने लगा, और वहां महंत नियुक्त होने शुरू हो गए, महंत महंतों की अपॉइंटमेंट शुरू हो गई, महंत मींस पंडित। ठीक है, अब वो महंत बाहर खड़ा था, उसने मौका देखा कि हरिहर काका के पास जमीन है तो इन्हें जरा बहला फुसला के ले जाया जाए, इनके घर में लड़ाई हुई है, आज इनको पकड़ लिया जाए। ठीक है, महंत ले गए, महंतों ने कहते हैं छोड़ हरिहर, कहां तू परिवार में फंसा हुआ है, आजा ठाकुर बाड़ी में, आजा जमीन ठाकुर बाड़ी के नाम लिख दे, तुझे दोनों टाइम 56 भोग मिला करेंगे, आराम से बैठ के खाना ऐश करना, फिर स्वर्ग में भी तुझे इसका पुण्य मिलेगा। ठीक है, तो उसे खूब अच्छा सा खाना खिलाया गया,
उसने सोचा वाह भाई वाह, इतनी सेवा तो कभी हुई नहीं, मजा आ गया आज खाना खा के। लेकिन उधर घर में पता चला भाई के बच्चों को कि ये क्या हो गया, उनको महंत जी ले गए, वो आके माफी मुफी मांग के ले गए, उन्हें घर ले गए और उन्हें अच्छे से उनकी खातिर होने लगी, यानी उन्हें अब से खाना अच्छा मिलने लगा। तो हरिहर काका ने सोचा महंत जी की कृपा है, मुझे अपने घर में ही अच्छा खाना मिलना शुरू हो गया। लेकिन क्या हुआ, भाई के बच्चे उन्हें फोर्स करने लगे कि जमीन हमारे नाम लिख दो, आप बैठ के आराम से राज करके खाओ, जमीन हमारे नाम लिख दो। लेकिन हरिहर काका ने ऐसा नहीं किया। अब क्या हुआ, महंत जी किडनैप करके एक दिन ले गए हरिहर काका और जबरदस्ती उनसे अंगूठे लगवा लिए कि जमीन तू ठाकुरबाड़ी के नाम कर। महंत कहता मैं, ओ सॉरी, हरिहर काका कहता मैं तो नहीं देता। घर में आया, भाइयों के बच्चों ने जबरदस्ती शुरू कर दी, वहां महंत ने जबरदस्ती शुरू कर दी। अब हरिहर काका डिप्रेशन में रहने लगे, चुप्पी कर गए बेचारे कि इतना पैसा, इतनी जमीन है, सब कुछ है, फिर भी मेरे हाथ में कुछ नहीं। अब गांव जो है दो हिस्सों में बट गया। कुछ लोग कहते हाँ हरिहर काका को महंत को दे देना चाहिए जमीन को, यार पुण्य मिलेगा। लेकिन कुछ लोग कहते नहीं नहीं अपना खून होता है, अपने खून के नाम ही जमीन रखनी चाहिए। तब हरिहर काका को अपने समय की एक औरत याद आई, बिसेसर की पत्नी, जो कहते जिसको उन्होंने देखा था उसने जीते जी अपनी जमीन अपने परिवार के नाम कर दी थी, तो उसे दो जून दो टाइम की खाना भी नहीं जुड़ता था। तो हरिहर काका को इतनी समझ तो आ गई कि जीते जी मैं अपनी भूमि अपनी जमीन कभी भी किसी के नाम नहीं करूंगा। वो बच्चों को कहता रहा मैं मर जाऊंगा तो सारी जमीन आप ही की है, मैं कहां भागा जा रहा हूं, कहां जा रही है जमीन। लेकिन नहीं, वो भी जबरदस्ती करना चाहते थे, महंत भी जबरदस्ती करना चाहते थे, तो पुलिस की सहायता लेनी पड़ी। अब क्या हुआ, दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर का फायदा, ठीक है। अब पुलिस क्या कर रही है, आराम से ऐश कर रही है, पहरेदारी कर रही है, खाना वाना बन रहा है, खुद भी लूट रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। और हरिहर काका इस समय बिल्कुल चुप कर गए। लेखक हरिहर काका को अपने चाचा पिता समान मानता है, लेखक के साथ उनकी काफी गहरी दोस्ती है ना, क्योंकि बचपन से उन्हें अपने कंधों पे खिलाया है हरिहर काका ने लेखक को। लेखक उनके पास जाता है, उनसे भी हरिहर काका कुछ नहीं कह पाते और चुप रह जाते हैं, है ना फिल्मी स्टोरी। अब इसमें से क्वेश्चन आपको साधारण नहीं पूछे जाएंगे, पूछे जाएंगे अगर आजकल की मीडिया वहां पहुंच जाती तो क्या सिचुएशन होती, है ना। हरिहर काका ने क्या समझ लिया, क्यों समझ लिया, इस तरह के प्रश्न बीच में से बन के आएंगे। ओके, टाइम इज ओवर, दो लेसन्स रह गए। मैंने आज बहुत एंजॉय किया आपको पढ़ाते हुए, होपफुली जब टीचर एंजॉय करता है तो बच्चों को भी मजा आता है पढ़ के। उम्मीद करती हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा, क्योंकि स्ट्रेंथ आज 14 बच्चे थे, पता नहीं बीच में से एक कौन चला गया। सो के देन